तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके हिमाचल पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक 80 क्वेश्चन का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए गए हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सकें। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करें और टेस्ट का जो लेवल है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा ईजी है ना ज़्यादा हार्ड है। तो इस मॉक टेस्ट को कम्प्लीट करने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो आपको 60 क्वेश्चन कम से कम सही करके बताने हैं, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाओगे अपने। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू। तो आपने बताना है कि जिस तरह लिजर्ड जो है वो एक रेप्टाइल फैमिली में आती है, ठीक है, रेप्टाइल से संबंधित है, तो फ्लावर जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, पेटल, स्टेम, डेजी, एलिगेटर। तो पेटल एंड स्टेम जो है वो एक फ्लावर के पार्ट्स में आता है ये, ठीक है। डेजी जो है वो फूल है, ठीक है, और एलिगेटर क्या है? रेप्टाइल फैमिली में आता है, ठीक है, एलिगेटर जो है। तो इसका मतलब डेजी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। ठीक है, फ्लावर जो है वो क्या है? डेजी। डेजी एक फ्लावर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है कि लिजर जो है वो इज़ अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, डेजी इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो चॉइस ए एंड वी आर इनकोरेक्ट बिकॉज अ पेटल एंड स्टेम आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नॉट टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, पार्ट्स हैं वो फ्लावर के। तो चॉइस डी इज़ इनकोरेक्ट, तो बिकॉज एन एलिगेटर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ रेप्टाइल, नॉट अ टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? मलेरिया। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इनमें से कौन सी है? ठीक है, जो कम्युनिकेशन से नहीं फैलती है। तो कौन सी डिसीज है इनमें से? ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, एड्स या कैंसर? तो यहाँ पर कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक्सपेक्ट ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस एंड एड्स को छोड़ के। ठीक है, तो कैंसर क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिया गया है डिजिट, आपने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो 384 के अनुपात में यहाँ पे क्या आएगा? जैसे 216 के अनुपात में 63 आया है। ठीक है, तो 128, 124, 112 या 192? तो इसका सही जवाब बताता हूँ आपको, 112 होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये कैसे आएगा? तो यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमारे पास 216, 63 ये वाला मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न है, वो है 216 को क्या करेंगे हम? भाग देंगे 4 से पहले। ठीक है, जो आएगा उसको नोट कर लेना है। ठीक है, और फिर 216 को भाग देंगे 3 से। ठीक है, फिर 3 से भाग देंगे, जो आएगा वो आपने नोट कर लेना है। इन दोनों संख्याओं को जो 4 और 3 से भाग देने पर आएंगी, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करने के बाद आपने 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी इनको भाग दे के आएगा। तो यहाँ पर 126 आएगा दोनों का योग, और 126 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 112 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, आपने मिसिंग नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो बताना है आपने कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो 384 और अनुपात में क्या आएगा? 216 के अनुपात में, जिस तरह से 63 आया है। ठीक है, तो 128, 124, 112, 192, तो सही जवाब बताना है आपने क्या होगा। अब ये कैसे आएगा? हमने यहाँ पर जो मान हमें दिया होता है उसको पहले हमने वेरीफाई करना है कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो 216 है, तो जैसे इसमें एक पैटर्न यूज़ किया गया है, 216 को डिवाइड किया है पहले 4 से। ठीक है, उसके बाद जो आया प्लस किया गया है 216 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इन दोनों का जो मान आएगा उसको 2 से भाग देना है। ठीक है, इन दोनों का मान आप निकाल सकते हैं, 126 आएगा प्लस करके। ठीक है, 4 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, तो 126 दोनों को प्लस करके आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 63 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अब हमने 384 को करना है, तो 384 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 128। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना हो जाएगा ये 224, ठीक है। 224 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब हम तो 112 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का नीचे दिया हुआ है, आगे मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप सॉल्यूशन खुद पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सभी सॉल्यूशन लिखे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपने बताना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। ऑड मैन आउट ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही। तो ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, वायलेट, तो इनमें से जो डिफरेंट है सबसे कलर वो बताना है आपने। तो यहाँ पर वाइट कलर जो है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। वाइट कलर कैसे डिफरेंट है? वाइट कलर जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो बाकी कलर दिए गए हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, ये रेनबो के कलर हैं, इंद्रधनुष जो होता है उसके कलर हैं, और वाइट कलर जो है वो ये डिफरेंट फ्रॉम ऑल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डिफरेंस बताना है। रणथंभोर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना या गंगटोक, तो यहाँ पर बताइए डिफरेंट कौन सा है। तो दोस्तों जो पहले 4 ऑप्शन हैं रणथंभोर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना, ये क्या है एनिमल सेंचुरीज हैं, ठीक है। और गंगटोक क्या है? सिक्किम की कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो होगा वो डिफरेंट होगा, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म यहाँ पे आपने फाइंड करनी है 48, 24, 96, 48, 192। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा आपने बताना है, ठीक है। 76, 90, 96, 98, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी आएगा 96, जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर आएगा 96, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न का यूज़ किया गया है, वो है भाग 2, ठीक है, गुणा 4, इस तरह से। 48 को 2 से भाग दिया 24, 24 को 4 से गुणा किया 96, फिर 96 को 2 से भाग दिया 48, 48 को 4 से गुणा किया 192। आप क्या करेंगे 192 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 96 हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आपने देख लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अब आपने क्या करना है, जो गलत टर्म है इनमें से, ये आपको सीरीज दी गई है नंबर की, इनमें से एक नंबर जो है वो गलत होगा, ठीक है, वो सीरीज में मैच नहीं करता है, तो आपने वो नंबर चूज करके बताना है। 25, 46, 109, 221। तो यहाँ पर जो 46 है ये मैच नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये कैसे मैच नहीं करता है, क्योंकि 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे 445 में से 3 सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दिए तो कितना आया 442 आया, उसको 2 से भाग किया तो 221 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी टर्म ली गई है। तो उसी तरह से जब हम 109 को 109 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 106 रह जाएगा, ठीक है। 106 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 53, तो यहाँ पर आएगा 53, 46 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 46 इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन के ऊपर आ गया। अब यदि नीना कहती है अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं, तो बिंदु जो अनीता की बहन है का महिपाल से क्या संबंध है। तो बताना है आपने कि बिंदु का जो है वो महिपाल से क्या संबंध है। तो भतीजी, बेटी, पोती, बहू, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होना इसका सही जवाब, ऑप्शन सी पोती। महिपाल की क्या लगेगी पोती, वो उसके दादा हैं। किस तरह से, क्योंकि महिपाल का जो बेटा है वो नीना का पति है, कौन रमन, ठीक है, वो महिपाल का बेटा हुआ। उसकी जो दोनों बेटियां हैं बिंदु और अनीता, तो महिपाल की नेचुरली है वो क्या लगी पोतियां लगी दोनों, ठीक है। तो बिंदु भी पोती लगी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो नेक्स्ट है, दीपक का एक भाई अनिल है, दीपक प्रेम का पुत्र है, बिमल प्रेम के पिता हैं, रिश्ते के मामले में बिमल का अनिल क्या है। तो बिमल अनिल का क्या लगता है बताना है। तो इसमें सन, ग्रैंडसन, ब्रदर या ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर आएगा इसका ऑप्शन बी ग्रैंडसन, ठीक है, क्योंकि अनिल दीपक का क्या है भाई है, ठीक है, और अनिल जो हुआ वो प्रेम का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर दिया है जो आपके इस क्वेश्चन में अनिल क्या है प्रेम का पुत्र है, तो बिमल क्या हुए प्रेम के पिता, ठीक है, यहाँ पर दिया भी है बिमल प्रेम के पिता हैं, तो अनिल बिमल का पोता हुआ, नेचुरल सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो किसका पुत्र है? प्रेम का पुत्र है, ठीक है। और प्रेम के पिता का नाम क्या है? बिमल, ठीक है। तो बिमल का पोता हुआ वो, ग्रैंडसन हुआ। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्किंग स्थल में 160 वाहन होते हैं। प्रत्येक वाहन या तो एक कार या ट्रक होता है और प्रत्येक वाहन या तो लाल या हरा होता है। 70 वाहन लाल हैं और 120 वाहन क्या हैं? कारें हैं, ठीक है। यदि 18 हरे ट्रक हैं तो लाल कारों की संख्या बताना है आपने कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 54, 50, 48 या 45 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? कुल 160 कारें बताई हैं, सॉरी वाहन बताए हैं, 160 हैं कुल। 70 क्या हैं? लाल हैं इनमें से। तो शेष कितने बचे हमारे पास? 160 में से 70 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास बचे 90, ठीक है। 90 वाहन बचे टोटल। अब 90 में से 18 क्या हैं? हरे ट्रक हैं, ठीक है। तो इन इसमें से हमने माइनस 18 कर दिया तो हमारे पास कितना नंबर आया? 72। तो 72 जो है वो क्या है? हरी कारें हैं, ठीक है। अब टोटल कारें कितनी हैं? 120 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताता हूँ 120 टोटल कारें हैं। अब 120 में से जो हमारे पास 72 डिजिट आया उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास? 48 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास 72 लेस करके 120 कारों में से 48 क्या बची हमारे पास? रेड कारें, ठीक है। लाल कारों की संख्या कितनी हुई? ऑप्शन सी 48। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, नीचे देख लेना है आपने सोल्यूशन। 2850 रुपए में साइकिल बेचकर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताना है आपने। 2600, 2700, 2800, 3000। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी 2700 होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कैसे होगा आपको नीचे सोल्यूशन दिया गया है। क्योंकि हर सोल्यूशन में बताने लगा आपको तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, अपलोड होने में टाइम लगेगा उसको फिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो पीडीएफ में आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है, 0.5% रिटर्न इज एज अ डेसिमल, ठीक है। जो 0.5% है उसको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है? दशमलव के रूप में लिखा गया, आधा प्रतिशत है, दशमलव के रूप में लिखना है आपने उसको, आधे प्रतिशत को, ठीक है। 0.2, 0.02 या 0.005 या 0.05। तो बताना है आपने कैसे क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन सी, ठीक है। जब हम आधा प्रतिशत को दशमलव में लिखते हैं तो वो कितना आता है? 0.005, ठीक है। क्योंकि 1% कितना होता है? 100, ठीक है। तो और 1/1/2% कितना, इतना पूछा है ना, आधा प्रतिशत पूछा है। तो इज इक्वल टू 1/2 × 1/100। टोटल कितना हो गया? 200, 1/200, ठीक है। 1/200 हो गया। तो अब जब 200 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट की 0, ठीक है। फिर 0, फिर यहाँ पे एक और 0, फिर 0 पॉइंट की, फिर यहाँ पे एक और 0। अब 1000 हो गया। 200 को 5 से करेंगे तो 0.005 आ गया हमारे पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। आपने सॉलिड स्क्वायर में 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ियों में और एक ठोस वर्ग के रूप में भी तैयार किए जा सकने वाले सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। तो आपने टुकड़ियों की संख्या आपको दी गई है वहाँ पर आपने ठोस वर्ग जो स्क्वायर है प्रॉपर उसमें आपने उसको बताना है कि उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। 900, 400, 1600 या 2500। तो इसका सही जो बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनमें आपको क्या करना होता है? LCM, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना होता है। तो ये 12, 15, 18, 20 का लघुत्तम समापवर्ती आपने निकाल लेना है। ये आ जाएगा आपका 2 × 2 कॉमन, ठीक है, 3 × 3 कॉमन, 5 × 5 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आएगा इसका 900 आएगा जवाब, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया गया है नीचे, ठीक है। ये इसका लघुत्तम समापवर्ती निकाला गया है, आपको यहाँ पे बता दूँ मैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो LCM निकाला गया है इसका, ये निकाला गया है LCM, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके LCM निकाला गया है और LCM हमारे पास ये आया इसका, ठीक है। पर हमने वहाँ पर क्या बोला है कि सॉलिड स्क्वायर चाहिए। तो ये क्या है? स्क्वायर, 3 × 3 स्क्वायर। अब 5 सिंगल है तो 5 को स्क्वायर बनाने के लिए 5 × 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर 5 है, ठीक है। तो हमने 5 यहाँ पर रिक्वायर्ड किया तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो इस तरह से इनको गुणा करने में 900 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What will be the least number which when double will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 196, 630, 1260 या 2520। तो बताना है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन बी 630 होगी। ठीक है, जो भी संख्या आएगी उसको डिवाइड करके डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये मतलब जो भी संख्या हम निकालेंगे वो 630 की दोगुनी होगी, तभी 2 से भाग देके 630 आएगा। ठीक है, तो नीचे निकाला गया है यहाँ पे इसका आंसर। ये एलसीएम निकाला गया है। मैंने पहले बोला कि जब भी इस तरह की आपको संख्या दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो आपको लघुतम समापवर्त्य निकालना होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेज डाउन हो रहा है। तो लघुतम समापवर्त्य आपने 12, 18, 21 और 30 का लघुतम समापवर्त्य यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे निकाला हुआ है नीचे, और लघुतम समापवर्त्य निकाल के कितना आया 1260 इसका क्या आया लघुतम समापवर्त्य, उसको 2 से डिवाइड किया तो 630 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड। अब कोडिंग जो है वो उसमें आया है क्वेश्चन। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव इज रिटन एज BDSBFUJS। तो जैसे क्रिएटिव को लिखा जाता है, इसमें लिखा गया है हाउ टू ट्रिएंगल रिटन इन दैट कोड। तो ट्रिएंगल को वैसे ही उस कोड में लिख के बताना है आपने कैसे लिखा जाएगा। तो क्रिएटिव को इन्होंने कैसे लिखा है इस लैंग्वेज में, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इसके हाफ हाफ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये टोटल कितने लेटर हैं CREATIVE, ये टोटल लेटर हैं 8 लेटर हैं। ठीक है, 8 लेटर हैं, इनको 4-4 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, CREA और CREA और TIVE, और इनको फिर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, उल्टा करके फिर उस जो फर्स्ट लेटर है उसके एक आगे स्टेप लिया गया है, और जो सेकंड लेटर है उसको एक स्टेप पीछे लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम ट्रायंगल को करेंगे। तो ट्रायंगल को TRI यहाँ तक डिवाइड करेंगे। ठीक है, TRIA और NGLE, ये 2 पार्ट में हो गया। अब इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करके क्या आ जाएगा हमारे पास, उल्टा करके आ जाएगा AIRTELGN। ठीक है, ये उल्टा करके आ गया। अब जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और नेक्स्ट में एक स्टेप बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो A से आगे B, I से पीछे H, R से आगे S, ठीक है, T से पीछे S, E से आगे F, L से पीछे K, ठीक है, G से आगे H और N से पीछे M। तो ये आया हमारे पास। ठीक है, BHSS। इस तरह से ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, BHSS FKHM। तो इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस बताना है आपने क्या होगा यहाँ पर। एटॉमिक एज, मेटलिक एज, स्टोन एज, यहाँ पर युग बताए गए हैं। ठीक है, जैसे पाषाण युग होता है, ठीक है, धात्विक युग होता है, उस तरह से आपने इनको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा युग सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा युग आया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इनको लिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा हमारे पास 3 स्टोन एज। ठीक है, पाषाण युग आएगा सबसे पहले। ठीक है, 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा मेटलिक एज, ठीक है, धात्विक, उसके बाद आएगा 4 नंबर एलोए एज, मिश्र धातु युग। ठीक है, फिर आएगा एटॉमिक एज, सबसे लास्ट में परमाणु युग। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3, 2, 4, 1। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे इंग्लिश के सेक्शन से क्वेश्चन। अब हमारा जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन खत्म हो गया है। तो ही इज़ गोइंग एवरी डे, इसमें क्या करना है आपने, ग्रामेटिकल एरर बिलो सेंटेंस। तो आपने फाइंड करनी है कि किसी पार्ट में जो है ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये 4 सेंटेंस आपको दिए हैं, किस में एरर है या नहीं है, तो ऑप्शन डी आपने क्लिक करना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में एरर है, क्योंकि ही क्या है सिंगुलर, इसके साथ क्या लगेगा गोज। ठीक है, ही गोज एवरी डे ऐसे आएगा यहाँ पे, GOES आएगा यहाँ पे। इज गोइंग नहीं होगा, ही गोज एवरी डे होगा, जाता है वो। ठीक है, तो अगला है आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई ही रिप्लाइड इन नेगेटिव व्हेन द प्रपोजल वाज इन हिज फेवर। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, सॉरी किस में मिस्टेक है वो बताना है आपने। तो यहाँ पर आई फेल टू, यहाँ पर क्या आएगा आई फेल्ड टू। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी यहाँ पे, फेल की जगह क्या आएगा फेल्ड आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर इस एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम्स करना है अब हमने। तो पहला क्या है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का बताना है रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीएबल, यूजफुल। तो ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है अनिवार्य, आवश्यक। ठीक है, तो रिक्वायर्ड भी आवश्यक होता है, स्टबर्न स्टबर्न हो गया जो हठी हो गया, एग्रीएबल जो मानने योग्य, यूजफुल जो उपयोग में लाने योग्य होता है, यूजफुल लाभदायक। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हुआ? रिक्वायर्ड। ठीक है, जो अनिवार्य है, आवश्यक है, ऑब्लिगेटरी भी अनिवार्य आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ मर्थ। अब मर्थ का बताना है आपने क्या होता है, सोरो, एंथुसिज्म, एडवेंचर या मेरीमेंट। तो सबसे पहले जो मर्थ है इसका मीनिंग क्या होता है? मर्थ का मीनिंग होता है खुशी, आनंद, बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्रमोद जिसको बोलते हैं। तो सोरो क्या हुआ? दुख, ये तो उल्टा हो गया इसका। तो एंथुसिज्म, एंथुसिज्म हो गया एक अपना जोश, ठीक है, उत्साह। एडवेंचर हो गया जो साहसिक कार्य होता है। तो मैरीमेंट होगा इसका, मैरीमेंट का मीनिंग होता है आमोद, प्रमोद। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता। तो उसको मर्थ का जो सिनोनिम हुआ वो हुआ मैरीमेंट। याद रखना है आपने इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है इन फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब हम क्या करेंगे? ऑपोजिट करेंगे, ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन दिया गया है आपको वर्ड सेंटेंस में, उसको आपने उसका आपने ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पर्टिनेंट इस सेंटेंस, संजय's पॉइंट ऑफ व्यू वाज करेक्ट बट हिज बिहेवियर विद हिज फादर वाज क्वाइट इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट का आपने ऑपोजिट बताना है, इम्प्रेसिव, स्मूथ, हेल्दी, रिस्पेक्टफुल। तो इम्पर्टिनेंट क्या होता है? इम्पर्टिनेंट होता है अशिष्ट। ठीक है, अशिष्ट होता है। इम्प्रेसिव हो गया प्रभावशाली, ठीक है। स्मूथ हो गया चिकना या शांत, हेल्दी हो गया स्वास्थ्य जिसका अच्छा है। तो रिस्पेक्टफुल होगा इसका उल्टा, ठीक है। इम्पर्टिनेंट होगा अशिष्ट, जिसको शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल होगा जो आदर करने योग्य हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शी इज स्लेंडर इन फिगर, ठीक है। तो स्लेंडर का बताना है आपने उल्टा क्या होगा, जो एंटोनियम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ट, स्टाउट या स्लिम। तो यहाँ पर बाकी तो सब पता है आपको। तो स्टाउट होगा। स्लेंडर का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी बॉडी पतली होती है या किसी बॉडी का कोई पार्ट पतला होता है, ठीक है। तो स्लेंडर, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? स्टाउट मीनिंग मोटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब आपने क्या करना है? आइडियम फ्रेज आपको दिए जाएंगे, उनका मीनिंग बताना है आपने, ठीक है। तो आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद अ मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज। तो फास्ट एंड लूज ये अंडरलाइन जो आपको किया गया है यहाँ पे, ये क्या है? आइडियम और फ्रेज है। तो आपने इनमें से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बिहेव इन एन अनरिलायबल एंड इनसिंसियर वे, हैज़ अ लूज टंग, लिव अ लाइफ ऑफ ईज एंड लग्जरी, डज नॉट नो हाउ टू बिहेव हिमसेल्फ। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है टू बिहेव इन केयरलेस मैनर, प्ले फास्ट एंड लूज, जो ऐसा बिहेव करता है जो कि केयरलेस मैनर में आता है, ठीक है। एक तरह से असावधानी बरतना या केयर नहीं करना किसी काम को करते हुए, ठीक है, परवाह न करना। तो बिहेव इन एन अनरिलायबल एंड इनसिंसियर वे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो जेंटलमैन एट लार्ज का मीनिंग बताना है, हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, इज लिविंग कंफर्टेबली, इज रिस्पेक्टेड बाई एवरीबॉडी, इज हेल्ड इन हाई एस्टीम। तो यहाँ पर जेंटलमैन एट लार्ज का मीनिंग सबसे पहले आपको बता दें क्या होता है? समवन हु हैज़ लॉट्स ऑफ वेल्थ एज वेल एज टाइम, जिसके पास संपत्ति तो है ही बहुत ज़्यादा, साथ में टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे बोलेंगे जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। तो मतलब वो कोई व्यवसाय नहीं करता है इसका मतलब, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और बहुत ज़्यादा वक्त है, टाइम है। तो वह क्या है? हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। अपने आप में ही एक समृद्ध व्यक्ति है, जेंटलमैन है, उसके ऑक्यूपेशन नहीं करता है, ठीक है। हैज़ नो सीरियस ऑक्यूपेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब आपको दिया गया एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है? चेंज करने से पहले आपको एक रूल बता देता हूँ इसका। यहाँ पर क्या लगा है? मस्ट लगा है, और मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो जब भी मॉडल वर्ब विल, वुड, मस्ट, शल, इस तरह के जब मॉडल वर्ब लगते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको चेंज करते टाइम हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? मॉडल वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मस्ट है तो हम एक मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसमें लास्ट में ऑप्शनल ऑब्जेक्ट अगर इफ एनी अगर हो तो आप लगा सकते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे हम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपने बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका। ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। मस्ट, ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा। जो मॉडल वर्ब होता है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम वैसे रहेगा मस्ट। उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद बी लग गया, टेकन, टेक से बन गया टेकन केयर ऑफ बाई अस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये चेंज हो गया, आपने याद रखना है। सीखो नीचे समझाया भी गया है आपको। तो यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको डायरेक्ट में दिया गया, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बताना है। ठीक है, ही सैड इफ आई हैड द की विद मी आई कुड गिव यू द सोल्यूशन। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ही सैड दैट इफ ही हैड द की विद हिम ही कुड गिव हिम और हर। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जिसको उसने दिया है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए हिम और हर यहाँ पे लिखा है द सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्वर्ड, रेवेलियस, कमीशन या मिरेकुलस, तो यहाँ पर किसके स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर गलत लिखे हैं, तो आपने बताना है इस चीज़ को। ठीक है, 27, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मिरेकुलस, मिरेकुलस के स्पेलिंग क्या होंगे, MIRA होगा, डबल आर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मिरेकुलस MIRACULOUS। ठीक है, मिरेकुलस। तो नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर आपने वही करना है, पहले क्या रॉन्ग चूज करना था, अब आपने जो करेक्ट है इसमें से वो चूज करना है। सैटेलाइट का करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन आपने बताना है। तो ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है इसका, SATELLITE। ठीक है, सैटेलाइट। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल वर्ड फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सुटेबल वर्ड इन चारों में से आपने चूज करना है, जिससे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है क्या आएगा। तो रामा वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही नीडेड डैश केयर इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, एक्सटेंसिव, लिटिल, डीप और इंटेंसिव। तो यहाँ पर इंटेंसिव केयर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द इंग्लिश स्कीम टू कंटिन्यू देयर रूल इन इंडिया बाई प्लेइंग ऑफ ऑन कम्युनिटी डैश द अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर, अपॉन, अगेंस्ट, विद। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, अगेंस्ट, अगेंस्ट द अदर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, एक सेंटेंस आपको हाफ दिया गया है, आपने बताना है इसमें से, इन पांचों में से कौन सा आगे पार्ट फिलअप होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा आएगा, हिज अपीयरेंस इज अनस्माइलिंग व्हाट। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 32, द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट एंड हेंस बी डिसाइडेड टू डैश। तो यहाँ पर चारों में से कौन सा आएगा जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे लास्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अब हम करेंगे मैथ और साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैथ का जो आपको सोल्यूशन हर क्वेश्चन का नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम करेंगे, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में ₹575 तथा 5 वर्षों में ₹625 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी बताना है आपने। 3%, 5%, 4% या 5%, सॉरी 5% 2 बार आ गया है, और इसका जो सही आंसर होगा वो भी इसका 5% ही है। ठीक है, 5% आएगा इसका सही आंसर। नीचे आपको सोल्यूशन दिया गया है, ये मूलधन यहाँ पे ₹X माना गया है, ब्याज की दर R% मानी गई है। ठीक है, 2 वर्षों का ब्याज 625 में से 575 लेस करके ₹50 आया, तो मूलधन जो था 575 उसको माइनस कर दिया, 3 × 25 = 500। तो R दर निकालने के लिए क्या किया, 100 × 75 / 500 × 3 = 5%। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लेना है क्वेश्चन देख के। ठीक है, अच्छे से। तो नेक्स्ट है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, 10%, 15%, 20% या 25%। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10%। ठीक है, कैसे आएगा ये नीचे सोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, ये सोल्यूशन आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे पॉज करके वीडियो को आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं करना है तो आप PDF डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप चेक करेंगे। रात को 8 बजे PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल हिम इन्फो सेंटर पे अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी बतानी है आपने, 1027, 1075, 1083 या 1035। तो बतानी है आपने क्या होगी, तो ऑप्शन डी होगा इसका 135। ठीक है, कैसे आएगी वो नीचे हिंदी में समझाया गया है, आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो आसान है, बस थोड़ा आपको पहले छोटी संख्या बनानी पड़ेगी, फिर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी इन अंकों को यूज़ करके, और उनका अंतर निकाल के बताना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 54,972, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप जो है वो 34 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, या आपने लिख के नोट कर लेना है, और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपने ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, 221 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर या 1105 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लंबाई चौड़ाई मान के चले हैं और नीचे यहाँ पे आंसर आ गया है 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 1:8:21 का समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। तो योगफल भी समानुपात आ जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो 3, 5, 7, 12, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी 5 जोड़ने पर जो है वो योगफल समानुपात हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस बार आपको अनुपात में भी क्वेश्चन आ सकता है, अनुपात के ऊपर भी मैथमेटिक में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 4 वर्ष, तो बताना है जो वर्तमान आयु है पुनीत की वो कितनी होगी। तो 39 ऑप्शन बी। ठीक है, 6 ईयर्स। ठीक है, कैसे आएगा 6 ईयर्स, वो नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आयु मान के चले हैं, पप्पू और अप्पू की वर्तमान आयु 2x, 3x ऐसे करके नीचे 6 वर्ष इसका आंसर आ गया है। ठीक है, किसी विद्यालय की एक कक्षा में 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। 75, 70, 80, 72, तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 72। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करना पड़ता है और थोड़ा सा आपको तुक्का भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अगर आप सोच सोच के करेंगे तो आपका टाइम 1 घंटे का तो ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं वो आप सबसे पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद जो क्वेश्चन माइंड लगाने वाले हैं उनमें माइंड लगाएं, जो आपको नहीं आते हैं उनको सबसे बाद में करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब 8 क्वेश्चन हम मैथ के करने के बाद 8 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। तो पानी, पारा, चमड़ा या प्लास्टिक, तो बताइए। इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर पारा यानी कि मरकरी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट है सौर विकिरण का मापन किया जाता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड, कैसे मेजर की जाती है। हेक्टोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, तो पायरोमीटर से मेजर की जाती है सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। तो हाइड्रोजन बम, हु मेड द हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर, सैमुअल जे रॉबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है साइटोलॉजी संबंधित है। इज इट रिलेटेड टू साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी किससे संबंधित है। फसलों के अध्ययन से, कोशिका, पक्षी के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से। तो स्टडी ऑफ सेल से संबंधित है, कोशिका के अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एथलीट फुट रोग क्या है। तो बताना है आपने एथलीट फुट रोग क्या होता है। कवक, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फुंगी, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर कवक, इसका सही जवाब होगा फुंगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है। त्वचा, किडनी, लीवर, फेफड़ा। तो लीवर में संग्रहित होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, हेनरी। हु वाज द डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे चैडविक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है, वो बताना है आपने। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन जो है वो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवर्ग का उच्चारण स्थान। अब हम हिंदी सेक्शन में आ गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। पवर्ग का सही उच्चारण बताना है, उच्चारण स्थान क्या है। दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी कौन सा शब्द है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हो जाता है, हिंदी से संस्कृत में प्रयोग हो जाता है, तो पृथ्वी शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नवयुवक क्या है? कर्मधारय समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। यहाँ संकेत दिया गया है कि तुम भी चलो तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है, तो संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द बताना है। साप्ताहिक, बीणा, बाष्प, सिंदूर। तो साप्ताहिक, यहाँ पर साप्ताहिक होगा, ठीक है, स को आ की मात्रा होगी, ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो बताना है। अंबु, सर, मेघ पुष्प, नीर। तो यहाँ पर जो सर है वो पानी का जो है वो पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सर होता है सरोवर, तालाब, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, थ, ध, फ, भ, अ, आ। तो क और ग जो है वो अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है? ये बहुत आसान है। मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। तो सभा जो है वो, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा हुई, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, या राम पत्र लिखता है। तो गेहूं पिस रहा है, ये अपने आप पिस रहा है, इसमें किसी के कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पिस रहा है, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशिनी, महाशयी, महाशया, महाशी। तो महाशया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है समुच्चय का सही संधि विच्छेद कीजिए। समुच्चय का, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा सही? तो ऑप्शन बी, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। तो वैयाकरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, व्याकरण जानने वाला, वैयाकरण। नेक्स्ट है गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मुहावरा, लोकोक्ति, उनमें से आपने बताना है। तो पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित। तो डींग हाँकना, गाल बजाना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी, निरी, निर, निह। तो निर्वाह में जो उपसर्ग है वो है निर उपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम करेंगे जीके के, जनरल नॉलेज के, ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, या बी के आर बी राव। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताना है आपने, इनमें से कौन सा होगा? जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक में ये सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा सन 1933 में 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से किसने बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनमें से बताना है कौन थी। तो कमलजीत संधू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एशियाई खेलों में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, बताना है इनमें से सही तारीख क्या होगी? 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसमें सही जवाब है गुलाबी बुरांश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो अजबर सेन ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिद्धगंगा नामक पवित्र स्थान किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति। तो सिद्धगंगा जो है वो कांगड़ा में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 78, नेहरू कुंड नामक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल किस जिले में स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी। तो कुल्लू में स्थित है नेहरू कुंड नामक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मंडी में पाया जाने वाला गुम्मा नामक नमक जो है वो उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, गुम्माद रंग में पाया जाता है ना नमक हिमाचल में, तो सफ़ेद, काला, हल्का नीला, गहरा नीला, तो गहरा नीला रंग होता है गुम्मा नमक का। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बताइए इनमें से कौन था, तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे आपको यहाँ पे नीचे दिया गया कि PDF फाइल जो आपको इस वीडियो की है वो आपको टेलीग्राम चैनल हिम इन्फो सेंटर पर रात को 8 बजे प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो सर्च हिम इन्फो सेंटर ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन अस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम इन्फो सेंटर पर शाम 8 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।